ये देखो भाई, ये है ऊपर का मेन, और ऊपर से इसकी गहराई देख सकते हो कितना ज़्यादा है। अभी मैं इसके बीच में आ चुका हूँ, इसके बाद भी कम से कम 15 से 20 फीट इसकी टोटल गहराई है। अगर मैं इसके नॉर्मल ऊपर जाता तो ऊपर से कम ही नहीं तो 30 से 40 फीट ही गहरा है। सीढ़ियाँ तो ऐसी बनी हुई हैं, जैसे गिर गया ना तो गोड्डे फूट जाएंगे मेरे। भाई हिडन गुफाएँ बनी हुई हैं। भाई चिड़िया एकदम से उड़ के बाहर आई ना तो मैं डर गया। इसके अंदर भी शायद हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है भाई। हिडन प्लेस है भाई, ऊपर जाने के लिए हिडन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले हम इस बड़े वाले मकबरे के अंदर चलते हैं। इस मकबरे के अंदर भी आपको कब्र गड़ी हुई नज़र आएगी। इस पर तो वैसे भाई अगरबत्ती वगैरह रखी हुई है, अगरबत्ती वहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने लड्डू वगैरह चढ़ा रखा है। तो आकर भाई पूजा वगैरह करते हैं, जो मतलब मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आकर पूजा वगैरह करते हैं। हालत है भाई यहाँ की, देख सकते हैं बहुत ही कम यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ अपने दिल्ली के वजीरपुर मकबरे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो सोच रहे हैं भाई, वो मकबरा नहीं है ये। ये जो आप NSP वजीरपुर जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये RKpura में पड़ता है। इस मकबरे का नाम ही वजीरपुर का मकबरा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है, क्या टाइमिंग है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन मकबरों के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मकबरा है 1451 से 1526 के बीच में लोधी राजवंश के समय में इन मकबरों को बनवाया गया था। और इन मकबरों को बनाने में लाल बलुए पत्थर का भारी मात्रा में यूज़ किया गया है। अगर आप इन मकबरों को RKpura मकबरा कहेंगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि ये मकबरे RKpura मकबरे के नाम से भी जाने जाते हैं। सभी मकबरों को ऊपर से गुंबदनुमा बनाया गया है, जो देखने में बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको बेसिकली 5 गुंबदनुमा आपको इमारत दिखाई देने वाली है, और 5ों मकबरे जो काफ़ी बड़े बड़े हैं उनके नीचे में आपको एक छोटा सा मकबरा दिखाई देगा। बट इन मकबरों को किस लिए बनाया गया था, इनके बारे में कोई जानकारी किसी विकिपीडिया या किसी वेबसाइट पर अभी तक तो नहीं है। ये जो मकबरा है जिस स्थान पर पड़ता है भाई, बहुत ही मतलब शांत एरिया है। अगर आप आना चाहते हैं तो फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, एक ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर आकर जो कब्रें हैं, मेन जो बड़ी वाली जो गुंबद है उसके अंदर 2 कब्रें गड़ी हुई है, वहाँ पर आके उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो आप यहाँ पर पार्क वगैरह हैं और बाकी चारों तरफ से ये पूरा घिरा हुआ है, और एक आपको इसके अंदर बावली भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप आकर काफ़ी मतलब एंजॉय भी कर सकते हैं। टूरिस्ट तो भाई यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं, बट यहाँ के जो आसपास के जो लोकल लोग हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में वो यहाँ पर आकर टहलते हैं। ये लोकल लोगों को छोड़ दें तो यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता है। तो चलो, आज की इस वीडियो में पूरा मकबरा है इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर से मकबरा भाई बहुत ही ज़्यादा शांत है। अभी देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी। और अंदर में आई थिंक यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही सिर्फ यहाँ पर सुबह और शाम को आकर बैठते हैं। और दोपहर में तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि दोपहर में जगह जगह पर कपल्स का ही राज होता है। तो यहाँ पर अभी 11-12 बज रहा है और 1-2 कपल मेरे को दिख चुके हैं, वो उस तरफ हैं। कोई नहीं, यहाँ पर एक मेरे को छोटा सा जो अग्रसेन की बावली जैसा हमने कुछ देखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैं आपको पहले लेकर गया था अग्रसेन की बावली, उसी तरीके का ये कुछ है। ये छोटा बावली है एक तरह से, देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा मतलब सही लग रहा है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक तरह से नहर जैसा होता है ना, कुआँ होता है वैसा है। तो चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना गहरा है। तो फिलहाल भाई चलते हैं नीचे और मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से कैसा है। और भाई गर्मी, धूप बिल्कुल सर पे आ चुका है और गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। भाई सीढ़ियाँ तो ऐसी बनी हुई हैं, जैसे गिर गया ना तो गोड्डे फूट जाएंगे मेरे। बाकी भाई अग्रसेन की बावली में पहले गया था तो वहाँ पर भाई नीचे जाने के लिए अलाउड नहीं था, बट यहाँ पर तो कोई है ही नहीं तो मैं पूरा भाई घूम सकता हूँ। बाकी भाई गहराई तो है वैसे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप वहाँ तक जाते हैं सीढ़ी से, अगर नीचे आते हैं उसके बाद में तो कम से कम 6-7 फुट की गहराई है इसकी। उससे पहले मैं आपको कुछ अंदर का दिखा दूँ। अंदर में भाई साहब, अंदर में भाई हिडन गुफाएं बनी हुई हैं।
भाई चिड़िया एकदम से उड़ के बाहर आई ना तो मैं डर गया। इसके अंदर भी शायद हो सकता है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है भाई। हिडन प्लेस है भाई, ऊपर जाने के लिए हिडन सीढ़ियां बनी हुई हैं। बाकी चलते हैं इस तरफ, थोड़ा सा डरावना ही लग रहा है भाई। भाई इधर चिड़िया ही सिर्फ रहती है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या हाल है यहाँ का। ये देखो भाई, ये है ऊपर का मेन, और ऊपर से इसकी गहराई देख सकते हो कितना ज़्यादा है। अभी मैं इसके बीच में आ चुका हूँ, इसके बाद भी कम से कम 15 से 20 फीट इसकी टोटल गहराई है। अगर मैं इसके नॉर्मल ऊपर जाता तो ऊपर से कम ही नहीं तो 30 से 40 फीट ही गहरा है। बाकी आगे चलते हैं, आगे का मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर ऊपर जाने के लिए कुछ होगा तो मैं भाई, लेकिन ऊपर जाने के लिए ना जगह बहुत ही कम है, तो ऊपर मैं जाऊँगा तो मेरा बैग जो है वो फंस जाएगा, और अंदर में ना बहुत सारी मतलब चिड़ियाँ चमगादड़ वमगादड़ बैठे हैं। तो अंदर में गया तो भाई क्या पता मेरे पर हमला कर दे वो चमगादड़ को, तो आप जानते ही हो कितना हमलावर होता है। और अंदर में जगह तो बहुत ही कम है। बाकी यहाँ पर जो बाउली है ट्रेसिन वाली, छोटी सी बाउली है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो सीढ़ियों से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। बाकी अंदर में थोड़ी सी स्मेल अलग सी आ रही है, क्योंकि पुराना है भाई बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं ये हालत है भाई यहाँ की। देख सकते हैं बहुत ही कम यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। इस मकबरे के बारे में भी भाई विकिपीडिया पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, और मतलब कई सारे में मैं मकबरे ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और बाकी भाई बगल में ही एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट, तो आपको थोड़ा हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देगी। बाकी भाई मैं अभी आ चुका हूँ बिल्कुल नीचे, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है कुआं, और अभी हम थे उस तरफ देख सकते हैं। तो वहाँ से कम अगर हम यहाँ से अगर ऊपर तक की सीढ़ियों की गिनती की बात करें तो 40-50 सीढ़ियों से तो ज़्यादा ही होगा। और बाकी कभी ये भाई कुआं रहा होगा, इसके अंदर पानी रहा करता था। ऐसा ही कुआं मैंने तुगलकाबाद फोर्ट और अग्रसेन की बावली में गया था, वहाँ पर मैं आपको दिखाया था। और तुगलकाबाद फोर्ट में तो भाई बहुत ही मतलब बड़ा कुआं था, कम से कम तो 30-40 फीट गहरा कुआं था वो। बाकी ये वाला जो पूरा मकबरा है, जो बावली है, पूरा मैंने देख लिया है और आपको मैंने दिखा दिया है। बाकी अब चलते हैं जो मेन मकबरा है वहाँ पर चलते हैं, और जो बड़े बड़े जो मकबरे हैं उसके साइड में छोटे छोटे मकबरों को बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो गाइस अब हम इस मकबरे के टाइमिंग, टिकट प्राइस और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन से पड़ते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टिकट प्राइस के बारे में। तो भाई यहाँ की कोई भी फिलहाल टिकट वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एंट्री कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ की कोई टाइमिंग भी नहीं है, यहाँ पर जब मर्जी आप 24 घंटे कभी भी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है मुनिरिका मेट्रो स्टेशन। वहाँ से भाई मेट्रो स्टेशन से आपको ही थोड़ा सा दूर पड़ेगा, तो वहाँ से आप DTC की बस ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो करके आ सकते हैं। इसके नियरेस्ट जो बस स्टैंड पड़ता है वो RK पुरम बस स्टैंड सेक्टर 5। तो सेक्टर 5 बस स्टैंड उतरने के बाद ये करीबन 200-300 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ से आप पैदल भी चलकर यहाँ पर आ सकते हैं। चढ़ते चढ़ते पैर में दर्द हो क्या? और ये देखो भाई पसीने से क्या हाल हो गया मेरा, अभी मैं आपको ये देखो पसीने। चलते हैं, ये मेरे सामने एक मकबरा दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो मकबरा दिखाई दे रहा है। चलते हैं यहाँ पर भाई, भाई पसीने से तो बुरा हाल हो ही गया है। मकबरे के बिल्कुल जस्ट आपको सामने ही ये पार्क दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। साइड साइड में कुर्सियाँ तो वहाँ पर है ही नहीं वैसे, लेकिन आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। फिलहाल ये वाला जो मकबरा है, चलते हैं इसके अंदर, क्या पता भाई इसके अंदर कब्रें वगैरह गड़ी हों, देखते हैं भाई। और जो मतलब मेन बड़े बड़े जो मकबरे हैं उनके आपको कुछ साइड में आपको कोने में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मकबरे भी आपको दिखाई देने वाले हैं। बट इन मकबरों के बगल में इन छोटे से मकबरों को क्यों बनवाया जाता था इसके बारे में कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मेन मकबरा है, ठीक है, उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में आपको दो छोटे छोटे मकबरे दिखाई देंगे। भाई किस लिए इनको ऐसे बनाए जाते थे
कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। इन मकबरों को कम से कम 8-10 फीट की दीवार से पूरा घेर दिया गया है, बट उस तरफ की जो आप दीवार देखेंगे वहाँ वाली, ये भाई दीवार गिर चुकी है। तो पहले हम इस बड़े वाले मकबरे के अंदर चलते हैं। तो भाई देख सकते हैं इस मकबरे के अंदर भी आपको कब्र गड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर भाई पूजा वगैरह करते हैं लोग इन कब्रों पर, देख सकते हैं। इस पर तो वैसे भाई अगरबत्ती वगैरह रखी हुई है, इस पर भी अगरबत्ती वगैरह जल रही थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है। और बाकी इस वाले कब्र पर भी आपको अगरबत्ती यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने लड्डू वगैरह चढ़ा रखा है। तो आकर भाई पूजा वगैरह करते हैं, जो मतलब मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आकर पूजा वगैरह करते हैं। बाकी इस वाले मकबरे के अंदर दो ही कब्र गड़ी हुई है, बाकी इन कब्रों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं कि कौन सी कब्र किसकी है। तो आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से आप अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते। और हाँ भाई, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।